वाह बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। अभी घोड़े पर सवार होकर दुल्हन तो ले आई इस घर के लिए। ओ माँ फिर वही दुल्हन वाली बात, जल्दी करो ना माँ बहुत भूख लगी है। माँ जल्दी एक टोस्ट दो ना। हाँ हाँ हर बात में जल्दी रहती है तुझे, शादी करने की जल्दी नहीं है। माँ थोड़ा दूध दो ना प्लीज। मैं क्या कह रही हूँ सुन रहा है तू या नहीं? हाँ ये ले। थैंक यू माँ। थैंक यू? अरे मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ, तू हमेशा इस बात को टालता क्यों रहता है? हाँ किसी बच्चे की आवाज है। कितना प्यारा बच्चा है। ये बच्चा किसका है? कौन आया था यहाँ? यहाँ कोई नहीं आया था साहब। तुमने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब, हमने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। वहाँ गोरखा बोलता है उसने यहाँ किसी को आते जाते देखा नहीं। किसी का इस तरह बच्चे को यहाँ चालाकी से छोड़ जाने का मतलब ब्लैकमेलिंग? क्या बोल रहे थे? हाँ माँ जमाना बड़ा खराब है, हो सकता है कोई हमें ब्लैकमेल करना चाहता हो। हमें कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? पैसे के लिए माँ, किडनैपिंग का इल्जाम लगाकर। किडनैपिंग? हाँ माँ, गुनाह का सबूत जो आपके गोद में है, कोई भी पुलिस में कंप्लेंट करके हमें किडनैप करने के जुर्म में फंसा सकता है। किसकी हिम्मत है हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की? माँ मेरा कहा मानो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के सीने में माँ का दिल नहीं होता बेटे, इतनी सी नन्ही सी जान को मैं नहीं पुलिस के हवाले करूँगी। तो फिर माँ हम इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऑफिस चला जा, इसके साथ क्या करना है मुझ पे छोड़ दे। देख 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 मुन्ने कौन है? अरे वाह इतने ढेर सारे खिलौने, लगता है माँ का मन जीत लिया है इसने। फिर मेरा मन तो इसकी पहली झलक नहीं जीत लिया है, तू भी इसे प्यार से दे, तेरा मन भी जीत लेगा। शांति चाय का पानी रख, तू इसे पकड़, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, ले पकड़। अजय 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 कमाल है, तूने माँ को पटा लिया, अब मुझे भी स्माइल देके पटा रहा है। चल ठीक है, हम भी तुझसे दोस्ती कर लेते हैं। ओके ओके बेटे, भगवान को जय जय करो, करो करो करो, जय 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 जय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप लोग? हम लोग इस बच्चे को लेने आए हैं। इस बच्चे को क्यों? आपकी गोद में हमारे क्लाइंट का खोया हुआ बच्चा है। यह बच्चा खोया हुआ नहीं है, इसे जानबूझकर यहाँ कोई छोड़ गया है। हम बहस नहीं करना चाहते मैडम,
आप सिर्फ ये बच्चा हमें लौटा दीजिए। नहीं, ये नामुमकिन है। ये बच्चा मैं वापस नहीं दूंगी। देखिए मैडम, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए पुलिस और कानून का सहारा नहीं लिया। हम नहीं चाहते कि आप जैसी महिला की बदनामी हो और किडनैपिंग का चार्ज लगे। वकील साहब, आप 3 वकील हैं, मैं 300 वकील खड़े कर दूंगा। आप किसी भी अदालत में जाइए, जो भी चार्ज लगाना है लगाइए, मगर हम ये बच्चा किसी कीमत पर भी वापस नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इस बच्चे पर अब सिर्फ हमारा हक है। नहीं मैडम, इस बच्चे पर हक सिर्फ मेरे क्लाइंट का है। कौन है आपका क्लाइंट? इस बच्चे की माँ। तो वो क्यों नहीं आती यहाँ? लाइए उसे हमारे सामने, मैं भी तो देखूँ उस पत्थर दिल माँ को जो इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गई और आज इतने महीनों बाद उसकी ममता अचानक जाग उठी। बुलाइए उसे। तो तुम हो वो ममता की दुश्मन माँ। मैं पूछती हूँ, क्यों चुपचाप इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गई थी? इसका जवाब आप अपने बेटे मिस्टर राज से पूछिए। राज से? मेरे बेटे से इस बात का क्या ताल्लुक है? इसका जवाब भी अपने बेटे से ही पूछिए। राज, क्या मतलब है इनका? माँ, इस बच्चे को लौटा दो। नहीं, कभी नहीं। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं 300 वकील खड़े कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को नहीं लौटाऊंगा। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बच्चा लौटा दो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये लड़की कौन है और इसके साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा। कुछ नहीं माँ, इस बच्चे को लौटा दो। क्या? छोड़ दो बच्चे को माँ। छोड़ो। बच्चा दे दो। खबरदार जो तूने इसे हाथ लगाया, इसका मतलब जरूर इस लड़की के साथ तेरा ताल्लुक है। अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो किडनैपिंग का चार्ज मैं अपने सर ले लूंगी, बेइज्जती उठाऊंगी और जेल चली जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। अगर तुम्हें कड़वा सच जानना है तो जान लो, मगर ये सब जानकर बहुत दुख होगा तुम्हें, बहुत तकलीफ होगी। होने दो तकलीफ, सब मंजूर है मुझे। बताओ सच क्या है? तो अपने दिल पर पत्थर रख लो माँ और सुनो। योर ऑनर, मुल्ज़िम जगदीश चंद जैसे अमीर ज़ादों, बिगड़े हुए नौजवानों के लिए किसी भी गरीब खूबसूरत और जवान लड़की की इज्जत महज एक खिलौना है और रेप यानी बलात्कार करना इनका शौक है। इस तारीख की शाम को मुल्ज़िम जगदीश चंद ने मेरी क्लाइंट तारा को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करने को कहा। जब तारा स्टेटमेंट लेकर इनके कमरे में पहुंची तो मुल्ज़िम जगदीश चंद ने कमरा अंदर से बंद कर दिया और जोर जबरदस्ती मुल्ज़िम जगदीश चंद ने मेरी क्लाइंट तारा की इज्जत लूट ली। योर ऑनर, मिस्टर शर्मा मर्जी और जबरदस्ती के बीच का फर्क बता सके तो बेहतर होगा। मर्जी दिल का इकरारनामा होता है। अच्छा, और जबरदस्ती इस जैसे वैश्य जानवर की नापाक हकीकत। खैर छोड़िए इस बात को, आपने अभी क्या कहा कि रेप 30 अप्रैल को हुआ? जी हाँ, 30 अप्रैल को। और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने की तारीख? 3 मई। हाँ, मतलब आपके कहने के मुताबिक रेप 30 अप्रैल को हुआ और कंप्लेंट 3 मई को दी गई, यानी कि 3 दिन बाद। सच तो यह है योर ऑनर कि रेप हुआ ही नहीं। ये तारा एक बच्चलन बाजारू लड़की है, देखते ही पता चलता है। सेक्स इसका सिक्का है और ये अपना ये सिक्का हर रात जिस्म के बाजार में चलाती है। ये झूठ है योर ऑनर, मेरी क्लाइंट तारा एक इज्जतदार लड़की है। इज्जत क्या सिर्फ औरत की होती है, आदमी की नहीं? आदमी को इज्जत से जीने का कोई हक नहीं? मेरे इज्जतदार क्लाइंट की इज्जत पर आपने कीचड़ उछाला है। एक बाजारू और बच्चलन लड़की के कहने पर बिना सबूत आप मेरे क्लाइंट को रेप केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर वर्मा गलत शब्दों का प्रयोग करके मेरी क्लाइंट के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, है कोई सबूत इनके पास कि मेरी क्लाइंट एक बच्चलन लड़की है? है कोई सबूत आपके पास? एक नहीं, अनेक सबूत है मिलॉर्ड, अनेक सबूत है। हाँ, और मेरा पहला गवाह है नौरंगी पान वाला। जी हाँ हुजूर, ये तारा हर रोज रात माँ हमारे दुकान पर पान खाने आती है और वहीं पर अपना शिकार तलाश करती है, क्योंकि हुजूर
हमारे दुकान पर बहुत अमीर लोग आते हैं और ये कमबख्त पान की लाली एक ही होटल पर ऐसी रचती है कि कोई ना कोई ग्राहक फंस ही जाता है। मेरा दूसरा गवाह। हुजूर, मैं सुबह मंदिर में फूल बेचता हूँ और शाम को जुहू में गजरे। तारा बंठन कर रोज नए ग्राहक के साथ आती है, मुझसे गजरा लेती है और ग्राहक को सुघा कर उसकी कलाई पे बांध देती है, और उसके बाद क्या बताऊं हुजूर, शर्म आती है। अरे शर्माओ नहीं भाई, अदालत को सब कुछ बताओ। हुजूर, वहीं पे ग्राहक की चुम्मी ले लेती है। तीसरा गवाह। मैं ऑटो चलाता हूँ सरकार, सैकड़ों बार ये तारा मेरे ऑटो पर सवार होकर शिकार के लिए निकलती है। अगर किसी रात इसे शिकार नहीं मिला तो सरकार तो ये मुझे शिकार बनाकर मेरे दिन भर की कमाई ले जाती है। चौथा गवाह। हुजूर आदाब। सरकार, वैसे मैं आया था तो हीरो बनने के लिए, लेकिन ये हाइट की वजह से मार खा गया और दलाल बनना पड़ा। हुजूर, मैं दलाल जरूर हूँ लेकिन कमाई हलाल की खाता हूँ। सरकार, ये तारा जिस्म फरोशी के सिल्वर स्क्रीन की जीती जागती तस्वीर है। हुजूर, पिछले 2 साल से मैं इस लड़की के लिए रोज नए नए कस्टमर लाता हूँ, इससे इसकी भी जेब गरम और मेरी भी जेब गरम। पांचवा गवाह। सरकार, मैं चादर बदल होटल का वेटर हूँ, मेरे चादर बदलते ही तारा के ग्राहक बदल जाते हैं सरकार। छठा। सरकार, मैं गुलफाम होटल का चौकीदार हूँ, तारा के कस्टमर सभी अमीर होते हैं सरकार, और उनकी जेब हमेशा नोटों से भरी हुई रहती है। जब उन्हें ये हमारे होटल में लेकर आती है तो अपनी भी जेब गर्म हो जाती है सरकार। योर ऑनर, इतने सारे सबूतों के बाद अब सारी सच्चाई आपके सामने है और अब फैसला आपके हाथ में है। दैट्स ऑल योर ऑनर। सारे गवाहों के बयानात और हालात पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम जगदीश चंद पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, लिहाजा ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मिस, मुझे वकील साहब से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट है उनसे? नो। तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वकील साहब 10 दिन तक बहुत बिजी हैं। क्या आप बता सकती हैं उनसे राय लेने की फीस क्या है? 1 घंटे के ₹5,000। तो मैं ₹50,000 दूंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुझे अभी और इसी वक्त उनसे मिलना है। 50,000? यस यस सर। एक साहब 5 मिनट की मीटिंग के लिए ₹50,000 ऑफर कर रहे हैं। टेल हिम टू वेट। मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है जी, आपका काम हो जाएगा जी। ओके, थैंक यू सर। सेंड हिम इन। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। मुझे सर राजकुमार कहते हैं। अच्छा, आज अदालत में आपकी जिरह और बहस देखकर मैं तो आपका फैन हो गया हूँ सर। आपने कितने खूबसूरत दांव पेंच से उस रेपिस को बचाया, कमाल कर दिया सर आपने, कमाल। थैंक यू। पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपने भी किसी का रेप किया है? नो सर, अभी तक रेप नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की है सर जिसका मैं दीवाना हूँ, अगर वो खुशी खुशी प्यार करने को राजी नहीं हुई तो फिर रेप तो होगा ही ना सर। तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? आपकी राय चाहता हूँ, अगर उसने मुझे खुशी से अपना सब कुछ नहीं दिया तो मैं उसका रेप कर दूंगा। अच्छा, रेप करते वक्त मुझे कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और क्या सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, ये आप मुझे समझाइए सर। ताकि केस लड़ने में और मुझे बचाने में आपको आसानी हो जाए। अरे वाह मिस्टर राजकुमार, आप जैसा समझदार क्लाइंट तो हमें पहली बार मिला है जो क्राइम करने से पहले हमारी राय लेने आया है, वरना लोग तो क्राइम करने के बाद वकील के पास आते हैं। गुड, आई लाइक इट। थैंक यू सर। हाँ, और ये लीजिए आपकी फीस 50,000। थैंक यू मिस्टर राजकुमार। हमारी जिंदगी में जवानी से लेकर आज तक इश्क का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमारा एक ही उसूल है, इश्क कर दरिया में डाल। ओह, वेरी गुड सर। हिदायत नंबर 1, माशुका को अपने हैंडराइटिंग में खत मत लिखना, सारी बातें आमने सामने या फोन पर करना जी। होटल में ठहरो तो मिस्टर और मिसेस के नाम पर कमरा बुक करने की गलती कभी नहीं करना, बेहतर यही होगा कि तुम्हारा कमरा अलग और माशुका का कमरा अलग,
रात को एक कमरा खाली और दूसरे में रैन बसेरा। यस सर। होटल का बिल हमेशा कैश अदा करना, क्रेडिट कार्ड से नहीं। और तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, इश्क कर रहे हो, उसके किसी दोस्त या दुश्मन का नाम और पता अपनी डायरी में नोट करना, ताकि जुर्म में फंस गए तो शक की सुई हमेशा उनकी तरफ घुमा सको। यस सर। हमारा जमाना और था। तुम्हारे जमाने में जो भी लड़कियां तुम्हें मिलेंगी वो तीन टाइप की होंगी। जैसे? टाइप नंबर वन, पढ़ी लिखी, घमंडी, नखरे वाली। शुरू शुरू में वो बिजली की तरह कड़कती है और बिच्छू की तरह डंक मारती। तुमने उसका डंक तोड़ दिया, उसके घमंड को चूर कर दिया, समझो फते। और टाइप नंबर टू सर? और टाइप नंबर टू, तितली की तरह नाजुक, पपीहे की तरह प्यासी और जाड़े की धूप की तरह गुनगुनी और दिलकश होती है। वो अपने खूबसूरत सपनों की दिलफरेब दुनिया में रहती है, इस इंतजार में कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे बाहों में उठाकर ले जाएगा। और तुम तो राजकुमार हो ही, हाँ? परखुरदार, ऐसी लड़कियों को फूलों की तरह सूंघो, बांसुरी की तरह होठों पर रखकर बजाओ, बस फतेह। और टाइप नंबर थ्री सर? बहुत प्रैक्टिकल होती है, हाथ लगाते ही कहती है पहले शादी बाद में सब कुछ। पहली तो टाइप तो कमाल है सर, अरे तीसरी अपने को सूट नहीं करती। तो फिर देर किस बात की, जाओ और फतेह करो। एनी प्रॉब्लम कम टू मी। थैंक यू सर। सर, किसी क्लाइंट ने आपके लिए फूल भेजे हैं। किसने भेजे हैं ये फूल? भेजे मुझे ये फूल और ये कार्ड। हे मिस्टर, क्या बहरे हो? कौन सुनाई नहीं देता? गाड़ी हटाइए। अजी, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा जी भर के देख तो लेने दीजिए। ये क्या बदतमीजी है, यू स्टुपिड मैन। स्टुपिड? वाह, आपके तमतमाते हुए चेहरे का ये हुस्न, आंखों से फूटती हुई नाराजगी की ये चिंगारियां, दिलकश होंठों पर मचलता हुआ ये गुस्सा, वाह। ए मिस्टर, अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा नहीं है। एक तो गाड़ी गलत लगा के खड़े हो, ऊपर से जबान दराजी। जी हाँ, तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगी, आई स्मैश योर कार, समझे? अजी, कार स्मैश करने से तो बेहतर होगा कि आप और हम आपस में टक्कर मार लें। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नहीं, हमारे पास सिर्फ इरादे हैं, प्यार के इरादे। आप ये बकवास इसलिए कर रहे हैं कि मैं अकेली हूँ? अरे नहीं नहीं, आप अकेली कहाँ है, मैं तो जन्म जन्म से आपके साथ हूँ। यस, आई एम मैड अबाउट यू। देखिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, अपनी बकवास बंद कीजिए और गाड़ी हटाइए। ओहो, फिर वही बात, हम तो आपकी राहों में दिल बिछाए खड़े हैं। जरा सोचिए, जब धड़कते हुए दिल की गाड़ी फंस चुकी है तो फिर हटेगी कैसे? आप हद से ज्यादा बदतमीज आदमी हैं। मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? पुलिस आके क्या करेगी, आखिर जो कुछ भी करना है वो हम दोनों को ही तो करना है, जैसे झगड़ा, प्यार, तकरार वगैरह वगैरह वगैरह। Shut up, you scoundrel! Scoundrel? यानी गुंडा? हाँ, गुंडा। देखिए, हमें भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा मत दिलाइए, नहीं तो। नहीं तो? नहीं तो क्या करोगे तुम? इस तन्हाई में मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें रेप भी कर सकता हूँ। रेप? Leave me! छोड़ो मुझे, you dirty man! No, I am not a dirty man, I am a gentleman, a perfect gentleman. Thank you.
वकील साहब, ठीक कहा था आपने, ये लड़की तो वाकई बात बात में डंक मारती है, लेकिन मैं भी फतेह हासिल करके ही रहूंगा। हेलो, तुम यहाँ भी? ऑफ कोर्स, यहाँ आप वहाँ मैं। मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? पीछा मैं क्यों करूँगा, सामने खड़ा हूँ, करूँगा तो सामना ही करूँगा। You are too much. Excuse me. Don't worry. दोनों बॉटल्स का बिल मैं दे दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम चीज क्या हो? मैं जमाने की इंस्टेंट कॉफी की तरह, आपका इंस्टेंट आशिक। आशिक? My foot. मैडम, इट्स नॉट योर फुट, इट्स माय फुट। है ना कितनी खूबसूरत? हाँ, वाकई। वाकई बेहद खूबसूरत है। मैं आपके पसंद की दाद देता हूँ। यू? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये दुकान है, इसमें सामान है, और कोई भी अपनी पसंद की चीज को हाथ लगाकर देख सकता है। यू डेयर नॉट। मैं हेल्प यू सर। जी हाँ जी हाँ, मुझे लेटेस्ट फैशन की कुछ नायाब और शानदार ड्रेसेस चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। नाइस वंस यू नो, एंड गला जरा लो कट होना चाहिए ताकि सेक्सी लगे इन मिस की तरह, और कमर भी पतली होनी चाहिए इन्हीं की तरह। व्हाट नॉनसेंस, प्लीज आप अपनी गर्लफ्रेंड का मेजरमेंट बताएंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल इनकी तरह है, 34 24 34। चाहे तो आप इनका मेजरमेंट लेकर देख सकती है। एनी ऑब्जेक्शन? आप इन्हें ही मेरी गर्लफ्रेंड समझ लीजिए। आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। आज नहीं तो कल आप ही सारी दुनिया को कहेंगे आई एम योर बॉयफ्रेंड। माय बॉयफ्रेंड? माय फुट। अरे अरे, आप जरा अपना फुट वही जमीन पर मारिएगा, पिछली बार आपने अपना फुट मेरे फुट पे मार दिया था, अब तक दर्द कर रहा है। शट अप। आप अपने आप को समझते क्या है? मैं आपको सीधा कर दूंगी। यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड बट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू नो आई लव यू। अरे पिंकी, तू बता कैसा है तेरा राकेश? बेवफा, दिल तोड़ दिया उसने मेरा। क्यों, क्या हुआ? एक दिन पकड़ लिया मैंने उसे एक लड़की के साथ। है? कहने लगा मेरी कजन है। आजकल हर लड़का लड़की यही कहते हैं मेरी कजन है, और बाद में उसी से इश्क फरमाते हैं। 1 2 3 4। अरे नीलू, अब तेरी सुना ना। अरे मेरी ना पूछ, एक बदतमीज मेरे पीछे लगा हुआ है। 1 2 3 4। ये मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है, बंद करो। जाने दी यार, तू आगे बताना। पहली बार मुझे एक सुनसान जगह पर मिला, और सड़क पर उसने गाड़ी से रास्ता ब्लॉक कर दिया। 1 2 3 4। जब मैंने उसे गाड़ी हटाने को कहा तो बड़ा रोमांटिक हो गया। बंद करो ये बैंड बाजा। छोड़ ना यार, तू आगे बताना। फिर मैंने उसे डांटा तो बाल पकड़कर बदतमीजी पर उतर आया। कहने लगा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा रेप भी कर सकता हूँ। आई से स्टॉप इट। आगे बताना। मैं तो डर गई, फिर कहने लगा मैं जेंटलमैन हूँ और चला गया। फिर गाड़ी भी हटा दी। वाकई वो जेंटलमैन होगा। चलो यार यहाँ से, ये बहुत बोर कर रहे हैं। अच्छा, फिर कभी मिला वो? मिला? अरे वो तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। एक डिपार्टमेंट स्टोर में मेरे हाथ से एक परफ्यूम की बोतल गिरकर टूट गई। उसने भी वैसे ही परफ्यूम की बोतल उठाई और तोड़ दी, और कहने लगा डू नॉट वरी मैडम, मैं दोनों बॉटल्स का बिल पे कर दूंगा। आई से शट अप एंड स्टॉप इट। छोड़े नहीं यार नीलू, उसके बाद फिर वो मिला? मिला, एक बुटीक में। ड्रेस खरीदते हुए बोला मेरी गर्लफ्रेंड का मेजरमेंट है 34 24 34। यू? यस नीलू जी, जहाँ आप वहाँ मैं। क्या यही है वो? हाँ। अच्छा है यार, शट अप। बिगड़ती क्यों है? कभी कभी ना समझी में अच्छा माल हाथ से निकल जाता है। तो जा, तू ही शादी कर ले उससे। कर लेती, लेकिन वो तुझ पे मरता है ना। ठीक कहा आपने, मैं इन पे दिल से मरता हूँ, जान से मरता हूँ।
सोते मरता हूँ, जागते मरता हूँ, उठते मरता हूँ, बैठते मरता हूँ, क्या करूँ, अल्लाह ने सूरत ही ऐसी बनाई है। फरिश्ते भी देखें तो बेईमान हो जाए। Shut up!
अल्लाह क्या सूरत है तेरी, अल्लाह है अल्लाह क्या सूरत है तेरी, जैसी मैंने सोची थी वो मूरत है तेरी, दिल को मेरे हाय जरूरत है तेरी, अल्लाह है अल्लाह क्या सूरत है तेरी। इतनी देर क्यों कर दी? पैदल चलकर आ रहा हूँ, रास्ते में पुल टूट गया और ट्रैफिक जाम हो गया, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओह गॉड, फिर हम वापस कैसे जाएंगे? अभी तो हम मिले भी नहीं और तुम अभी से वापस जाने के बारे में सोचने लगी। जब पुल ही टूट गया है तो वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। देखो ना, शाम हो रही है और लगता है रात भी हमें यही कहीं गुजारनी होगी। ओह नो! क्यों, डरती है मुझसे? तुमसे नहीं, अपने पापा से। वो मेरी गर्दन ही काट देंगे। इश्क में तो गर्दनें कटती ही रहती हैं, मगर आपकी गर्दन बचाने का रास्ता हमने ढूंढ लिया है। क्या मतलब? देखो नीलू, आज रात तक तो पुल बन नहीं सकता, और अगर हम जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, और अगर नहीं जा सकते तो आज रात तक तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मगर राज। मगर वगर कुछ नहीं, पुल टूटा है लेकिन टेलीफोन सलामत है। अपने पापा को टेलीफोन करो और कह दो कि आज रात घर नहीं पहुंच पाओगी। व्हाट? हाँ, लो फोन करो और कह दो कि तुम अपनी सहेलियों के साथ वाइल्ड लाइफ देखने भरतपुर फॉरेस्ट आई थी और वापसी में पुल टूट गया। हाँ, और किसी अच्छी फैमिली के साथ तुम्हें यहाँ रात गुजारनी पड़ेगी। इतना बड़ा झूठ! देखिए ना नीलू जी, थोड़ा सा झूठ तो इश्क और मोहब्बत में बोलना ही पड़ता है। लीजिए फोन कीजिए। हेलो पापा, मैं नीलू बोल रही हूँ। नीलू, अरे शाम हो रही है, तू अभी तक घर नहीं पहुँची, कहाँ से बोल रही है? जी, भरतपुर फॉरेस्ट से। भरतपुर फॉरेस्ट? वहाँ क्या करने गई है? पापा, वो मैं अपनी सहेलियों के साथ वाइल्ड लाइफ देखने आई थी। वाइल्ड लाइफ देखने आई? पापा, वो रास्ते का पुल टूट गया है। पुल टूट गया? हाँ पापा, और इसी की वजह से हम यहाँ अटक गए हैं, आने का कोई रास्ता नहीं है और हमें रात भी यहीं गुजारनी पड़ेगी। क्या, रात वहीं गुजारनी पड़ेगी? हाँ पापा, हमें यहाँ एक बहुत शरीफ फैमिली मिल गई है और उन्होंने अपने साथ रात भर रुकने की जगह भी दे दी है। लेकिन बेटी, मैं कितना परेशान रहूंगा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। जी हाँ पापा, नींद तो मुझे भी नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, सवेरे रास्ता खुलते ही सीधे घर पहुँच जाओ, अंडरस्टैंड? यस पापा। बाप रे बाप, इतना झूठ बोलना पड़ा,
लेकिन राज अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? मेरे साथ किसी होटल में। होटल में? क्यों डरती हो? Oh, no, मैं नहीं डरती। झूठ बोल रही हो, तुम डरती हो। कहा ना मैं नहीं डरती। ओके देन लेट्स गो। लेट्स गो। आर यू सीरियस राज? हम एक कमरे में साथ साथ रात गुजारेंगे। मैं जानता हूँ तुम डरती हो, चलो दो अलग अलग कमरे ले लेते हैं। हाँ राज दो कमरे ले लो। ठीक है। तुम्हारा कमरा अलग, माशुका का कमरा अलग, रात को एक कमरा खाली और दूसरे में रैन बसेरा। किस सोच में पड़ गए राज? हाँ कुछ नहीं, दो कमरे। हाँ आओ तुम यहीं ठहरो। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हमें दो रूम्स चाहिए, आज हमारी वो हमसे ज़रा रूठी हुई है इसलिए। अरे साहब वो रूठे हों या आप, हमारे पास एक भी कमरा खाली नहीं है। क्या एक भी नहीं? जी नहीं। अरे भाई दो नहीं तो एक तो कमरा दे दो, वरना मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मैंने कहा ना सर नो रूम। राज क्या एक भी कमरा खाली नहीं है? अरे भाई ट्रेन में, हवाई जहाज में, बड़े बड़े होटलों में जगह ना होते हुए भी वीवीआईपी के लिए जगह रखी जाती है। अगर हो सके तो हमें भी एक वीवीआईपी कमरा ही दे दो। वीवीआईपी रूम मिल सकता है लेकिन उसके चार्जेस 20,000 रुपए पर नाइट के। ओ डोंट वरी, ये लो मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। होटल का बिल हमेशा कैश अदा करना, क्रेडिट कार्ड से नहीं। क्या हुआ राज? कुछ नहीं, मैं तुम्हें कैश पेमेंट करूंगा। नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। थैंक यू। वाओ फैंटास्टिक। तो ले कर दे। मैं नहीं तू कर दे। क्यों डरती है क्या? कर दे। ओ नो तू बंद कर दे। अरे जा तू डरती है। मैं नहीं डरती वरती। प्यार होगा नहीं ऐसे डर डर के,
तुम्हारा प्यार पाने के बाद मुझ में ऐसा जोश भर गया है कि दिल करता है तुमसे फौरन शादी कर लूं, घर बसा लूं और दुनिया की तमाम दौलत लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूं। ओ राज, मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन नीलू, प्यार की दौलत के साथ साथ संसार की दौलत पाना भी बहुत जरूरी है, और इसी दौलत को हासिल करने के लिए एक बिजनेस के सिलसिले में मैं अमेरिका जा रहा हूँ। चला जाओ। चला जाओ अमेरिका? हाँ, सिर्फ एक डेढ़ महीने की तो बात है। ओ राज, एक डेढ़ महीना? ओ गॉड, कैसे रहूंगी अकेली? तुमने ऐसी आदत डाल दी है कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाती, और तुम एक डेढ़ महीने की बात कर रहे हो। ओ नीलू, थोड़ी सी जुदाई, थोड़ी सी तड़प मोहब्बत को और पुख्ता बना देती है। लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट राज। अरे देखना, 8-10 बार यादों के आते आते, 10-20 बार आहें भरते भरते, ये एक डेढ़ महीना चुटकी बजाते निकल जाएगा। तुम्हारी फ्लाइट कब है राज? आज रात 2 बजे। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। वाह 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 वाह, वेलकम। तुम्हारा जोश बता रहा है कि तुम फतेह हासिल करके आ रहे हो। यस सर, आपकी हिदायतें और मशवरे के मुताबिक मैंने पहली फतेह हासिल कर ली है। दैट्स वंडरफुल सर, हमारा सारा मामला मोहब्बत से ही पट गया, रेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सर। लेकिन क्या सर? एक और हसीना है विदेश में, अगर वो भी आपके इस फॉर्मूले से पट जाए तो जिंदगी बन जाएगी सर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? और अगर वहां भी तुम फंसे और मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हारा केस लड़ने में विदेश आऊंगा, और वहां भी होगी फतेह। थैंक यू सर। टैक्सी। भेजा होगा, खोल के तो देख क्या है। कम ऑन गर्ल्स, देखते हैं क्या है। लेट्स गो। वाओ, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम। फॉर यू। फॉर मी? ओह माय गॉड। होंठ होंठों पे जो रख दोगे तो चैन आएगा, गर्म बाहों में जकड़ लोगे तो चैन आएगा। वाओ, फॉर यू। अब तलक इश्क में आँखों से ही बातें की हैं, ये अदा तन को सिखा दोगे तो चैन आएगा। वाओ, फॉर यू। आग दुनिया में लगी हो तो बुझाना मुमकिन, तुम लगी दिल की बुझा दोगे तो चैन आएगा। वाओ, फॉर यू। इश्क ने करवटें बदली हैं बदन में मेरे, आग नस नस में लगा दोगे तो चैन आएगा। वाओ, फॉर यू।
For you? Wow! For you? Wow! For you? Wow! टीना, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, कभी कुछ बताया ही नहीं, कहाँ कहाँ तेरी मुलाकात होती रही। I swear यार, मैं तो इसे जानती तक नहीं कि ये कौन है। झूठ मत बोल यार। Excuse me. Hello. क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात कर सकता हूँ? Just a minute. दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए फोन है। तुम्हारे लिए? मेरे लिए? Yes. Hi miss. आपका दीवाना बोल रहा हूँ। अच्छा, अपना नाम तो बताइए। आपको देखने के बाद मैं तो अपना नाम ही भूल गया। फोटोज कैसे लगे आपको? जी बहुत अच्छे, लेकिन आपने बिल नहीं भेजा। अरे हुजूर, बिल नहीं, दिल भेजा है। अच्छा? जी हाँ टीना जी। ओ, तो आपको मेरा नाम भी मालूम है और एड्रेस भी। जी हाँ टीना जी, आप तो मेरे दिल की गहराइयों में समाई हुई है। क्या आपको मेरे शेर पढ़कर एहसास नहीं हुआ? अच्छा, तो आप शायर भी हैं? जी हाँ, बस मुलाकात की देर है, आपको मेरी सारी खूबियाँ मालूम हो जाएंगी। तो कब होती है मुलाकात? जिस तरह अनजाने में आपने तस्वीरें खींच ली, उसी तरह अनजाने में किसी दिन मुलाकात भी हो जाएगी। बाय। खूबसूरत फूल भेजे हैं, हसीन तस्वीरें भेजी हैं, गजल भी भेजी है, कमाल का आशिक है। तेरा इसे हाथ से जाने मत देना। क्या झरना है, या सावन का महीना है, या पत्थरों के माथे पे पसीना है। हाय टीना। हाय। हाय, ये कौन टीना है? हाय हाय। हाय, क्या सीन है, कितनी हसीन है, कितनी नमकीन है। टीना यार, सारे कॉलेज में शोर मचा हुआ है, कल किसी ने तुम्हें फूल भेजे। फूल? फूल? अरे फूल ही नहीं, चोरी चोरी खींची बहुत सी फोटोज भी भेजी हैं। यह लकी टीना। उसके बाद उसका फोन भी आया, कहता है क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बात कर सकता हूँ। कहने लगा फोटोज कैसी लगी। मैंने कहा फोटोज तो भेजी, दिल नहीं भेजा। कहता है दिल तो भेजा है। क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का एक और फोटोग्राफ ले सकता हूँ? ओ नो। स्माइल प्लीज। क्या यही है वो? आई डोंट नो यार, अरे ये तो बंदर की तरह कब से गार्डन में फुदक रहा है। आपको मेरे फोटो अच्छे लगे? जी जी हाँ, बहुत अच्छे थे। और मेरे फूल? वो भी अच्छे थे। और मैं टीना जी? कम ऑन गर्ल्स। आई, क्या चलती है, क्या चलती है, क्या चलती है, क्या चलती है। हाँ, स्टॉप। देखिए आप हमारा रास्ता छोड़िए। अजी अभी तो रास्ता रोका है, अब हाथ पकड़ना है, फिर प्यार करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज। थैंक यू। हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। नहीं नहीं, कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने सिर्फ फूल और फोटो की बात बताई, वो गजल नहीं सुनाई इन्हें। कौन सी गजल? होठ होठों पे जो रख दोगे तो चैन आएगा, और दो चार मेरे हाथ की खाओगे तो चैन आएगा। अबे जा, होठ होठों पे तो मैं रख दूंगा, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। जा। तू इनके फूल जैसे होठों पे तेरे गंदे होठ रखेगा। हाँ। तेरे बाप कमाल है। एक्सक्यूज मी, यू ट्रैवल मेकर, मैं तुझे देख लूंगा। कम विद मी टू द पुलिस स्टेशन, कम।
थैंक यू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अरे जरा सुनिए प्लीज। बिना सुने ही वो सब कुछ समझ गए हैं। अगर आपको कल उससे मिलना है तो थैंक यू। यू आर वेलकम। हाय हाय। आपने इधर कुछ लड़कियां देखी? नो नॉट इवन वन। ओ ए मिस्टर, आप इंडिया से हैं? या एंड यू ऑल? है तो हम इंडियंस, लेकिन न्यूजीलैंड में रहते हैं। दैट्स गुड। तुम्हें किस लड़की की तलाश है? दुनिया की सबसे हसीन लड़की की, जिसने मेरा दिल छीन लिया है। तो उसके बारे में हमें भी कुछ बताओ। ओके कम ऑन। जाने कौन थी हसीना का वो दीदार थी।
two orange juice. Thank you. आज मैं तुम्हें बंजी जंपिंग दिखाती हूँ। बंजी जंपिंग वो क्या होता है? लोग अपने पैरों में रस्सा बांधकर बहुत ऊंचाई से नीचे कूदते हैं। इट्स वेरी थ्रिलिंग, वेरी एक्साइटिंग। कम ऑन, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। आसान फरामोश हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे मैंने तुम्हें उस गुंडे से बचाया और उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? Oh, I see. Sunny darling, तो अब ले लो। Thanks, thanks and million of thanks. बस ये रूखे सूखे थैंक्स ऐसे ही? तो कैसे? बिना बोले बिना वर्ड्स के थैंक्स नहीं दे सकती। बिना वर्ड्स के थैंक्स वो कैसे? ऐसे। सनी क्या कर रहे हो? सनी ओ सनी, अच्छा तो तुम्हें इस तरह के थैंक्स चाहिए? तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के थैंक्स देती हूँ। ओ रियली? हाँ, चलो जमीन पे लेट जाओ। ओके, लेट जाता हूँ। चलो आंखें बंद करो। ओके। क्या कर रहे हो टीना? गुदगुदी। शट अप। अरे छोड़ो ना। अरे अरे आने आने। चाहिए? No thanks. बस आज का कोटा पूरा हो गया। अच्छा, come on. ओ राज, तुम कहाँ हो राज? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम कब आओगे? नीलू। राज। मैं आ गया। ओ राज, तुम राज। सनी कब से इंतजार कर रहा हूँ? बहुत देर हो गई क्या? और क्या, याद रखना आज इंतजार किया है, आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन सनी। लेकिन क्या? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तो?
तो मैं अब भी गई और अब भी आई। What? Yes, please wait for me. Oh my God, और वेट। हाँ, सनी डार्लिंग, तुम मुझे गुलाल सीढ़ियों के पास मिलना, ठीक है? मैं अब भी गई और अब भी आई। अरे सनी डार्लिंग, आ गई आप? हाँ, मगर बैड न्यूज। अब क्या हुआ? एक और काम याद आ गया। तो मैं अब भी गई अब भी आई। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी गया और कभी नहीं आया। सनी, आई लव यू ना डार्लिंग, प्लीज वेट फॉर मी। ओके। अच्छा सनी डार्लिंग, तुम मेरा फ्लावर गार्डन में वेट करना, ठीक है?
मैडम आपकी चेन गिर गई है। चेन? ठीक है मैं देख के आती हूँ। ओके। आई लाइक हर। Faster, faster, come on! I know her! Come on! Come on, faster! Come on, come on!
पास छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। ओ सनी, कम ऑन, लेट्स गो। बहुत थक गई हूँ, अब और कितनी दूर चलना होगा? बस यहाँ से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट है, शायद हमें रात वहीं गुजारनी होगी। रात? क्या डरती हो? नहीं। तो चलो।
तुम्हारे आंसू मुझे सारे रास्ते चैन नहीं लेने देंगे। सो स्माइल, कम ऑन स्माइल। बहुत मुश्किल है सनी ये घड़ी। अरे चंद दिनों की तो बात है, मेरे जाने के बाद तुम दिल लगा कर पढ़ना, एग्जाम के बाद हिंदुस्तान आ जाओ, तुम्हारे वहां आते ही हम फौरन शादी कर लेंगे और अपने शानदार घर में हम चारों रहेंगे। चारों? हाँ, हम दो, हमारे दो। अच्छा तो मैं चलूं? I'll miss you, Sunny. I love you too. मिस नीलू वर्मा, रिपोर्ट के मुताबिक आप बच्चे की मां बनने वाली। माय गॉड। क्रिस्टीना, यू आर प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड। Oh!
वाली हो तो गजब हो जाएगा। मेरी सलाह मानो तो तुम एबॉर्शन करा लो। हेलो 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 नीलू, हाउ आर यू माय लव? राज, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और कहाँ हो राज? लंदन में। राज, राज गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ राज। प्रेग्नेंट? गुड, क्या हो गई हो? जरा जोर से बोलो। प्रेग्नेंट। अरे जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ राज। ओहो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया है इस फोन को? तो नीलू, तुम माँ बनने वाली हो। गुड, वेरी गुड, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। राज, मेरी बात सुन नहीं पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लाइन भी कट गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? देखो, तुम फिक्र मत करो, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो, तुम एबॉर्शन करा लो। हाय हाय, वेलकम। हरी, ऑपरेशन कितने बजे? ठीक 12 बजे। विल मेक इट, कम ऑन। कौन है आप? ऑपरेशन थिएटर में कैसे चले हैं? डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे का होने वाला बाप हूँ, जिसे आप अबॉर्शन करके दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर रहे थे। इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर है राज? मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी। एक माँ होके तुम ऐसा कर रही थी नीलू? क्या करती राज, समाज और दुनिया के डर ने मुझे मजबूर कर दिया। उस दिन फोन पर मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मगर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। एबॉर्शन के अलावा मेरे पास चारा ही क्या था राज? अब तो मैं आ गया हूँ ना नीलू, मैं सारे समाज और दुनिया के सामने कहूंगा कि ये मेरा बच्चा है। तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी एबॉर्शन के बारे में नहीं सोचोगे। हाँ राज। लव यू। हेलो टीना डार्लिंग, मैं सनी बोल रहा हूँ अमेरिका से। सनी, ओ सनी माय डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू टू। लेकिन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? सनी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ टीना डार्लिंग, आई लव यू, तुमने मुझे बाप बना दिया। सनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सनी, मैं एबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। अरे मेरे होते हुए कैसा डर, और एबॉर्शन का नाम भी मत लेना। अगर तुमने मेरे प्यार की निशानी को मिटाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम वादा करो कि अबॉर्शन नहीं कराओगी, तुम्हें तुम्हारे सनी की कसम। अच्छा सनी, अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ। ओके टीना डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत जल्द इंडिया में मिलता हूँ। आई लव यू, बाय। आई लव यू टू सनी, बाय सनी। तुमने मुझे बताया है टीना, अब मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम बिन ब्याही मां बनने वाली हो। What? No. Never. इतनी जल्दी क्या है? Shut up. I don't like this. This is very bad. राज, क्या हुआ? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए, आखिर बात क्या है? ये गधा बेवकूफ कमीना कुछ समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। अरे बार बार एक ही रट लगा रखी है कि दुनिया में जल्दी आना है, जल्दी आना है। अरे तुम हंसती हो? हर बात का एक प्रॉपर वक्त होता है। पहले जरा हम अपना घर बना लें, घर सजा लें, शादी कर लें, तब ठीक 9 महीने बाद वो इस दुनिया में आए। तुम कितने अच्छे हो राज। अच्छा, और मैं तो बहुत बड़ा राक्षस हूँ, डेविल हूँ। फिर न कहना कि नहीं बताया कि आई एम अ मैड मैन। मैं जानती हूँ तुम क्या हो, तुम तो मेरी जान हो। जान? राज, आज मेरी छोटी बहन न्यूजीलैंड से आ रही है। She is in love with a very nice boy. लेकिन वो भी प्रेग्नेंट है। ठीक है मेरी जान, मैं जो हमारे लिए घर बनवा रहा हूँ उसमें उनके लिए भी एक बेडरूम बनवा देंगे। By the way,
उसकी शादी कब हुई? नहीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। ओह ग्रेट, दे आर लाइक माइंडेड। वो लड़का कौन है? वो एक शायर भी है और बिजनेसमैन भी। शायर और बिजनेसमैन, ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। कमाल का कॉम्बिनेशन है। नाम क्या है उसका? सनी। नाम अच्छा है। तो एयरपोर्ट आओगे ना? बोलो, वो तुमसे मिलना भी चाहती है। अगर मैं एयरपोर्ट आया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो गश खाकर गिर जाएगी। गिर जाएगी? क्यों? अरे वो मुझे देखेगी तो अपने सनी को भूल जाएगी और मुझसे शादी कर लेगी। और तुम तो जानती हो कि मेरा दिल बहुत मुलायम है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने उस पे लाइन मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और सुनो, तुम्हें एयरपोर्ट भी आना है। यस नीलू जी। कृपया ध्यान दें, एयर न्यूजीलैंड को ये सूचित करते हुए खेद है कि उनकी फ्लाइट NZ25 अब 3 घंटे देर से आएगी। अब फ्लाइट 2 बजे आएगी। धन्यवाद। ओह माय गॉड। नीलू। पापा, फ्लाइट तो 3 घंटे लेट है, 2 बजे आएगी। माय गॉड, मुझे वापस कोर्ट जाना है। नीलू, तुम एक काम करो, टीना को लेकर घर आ जाओ, शाम को मिलते हैं। मैं चलता हूँ। बाय। ओके पापा, बाय। योर अटेंशन प्लीज, एयर इंडिया। हाय। हाय रे, मैं तो डर ही गई थी। अभी अभी पापा यहाँ से गए हैं। अरे जरा जल्दी आता तो तुम्हारे पापा से मुलाकात हो जाती। हाँ, और वो शायद तुम्हें पसंद भी कर लेते। इसमें कोई शक? ये देखो, हमारी होने वाली साली के लिए फूल लाया हूँ। फूल पसंद है ना उसे? फूल नहीं, चॉकलेट पसंद है उसे। नीलू, साली तो आधी घरवाली होती है, और तुम्हारी बहन जैसा कि तुमने बताया बहुत खूबसूरत है। कभी कभार एकाध पप्पी लेने की इजाजत है? शट अप यू। ओके ओके बाबा, फ्लाइट कितने बजे आ रही है? 2 बजे। अरे डिले हो गई? ओह माय गॉड। क्यों, क्या हुआ? नीलू, मुझे यार 12 बजे कहीं पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। मैं मेरी प्यारी प्यारी साली से कल मिलता हूँ, मेरी तरफ से फूल उसे दे देना। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम है, रुको भी। अगर जरूरी काम ना होता तो रुकने जाता, तुमने हुक्म किया था आना ही होगा, तो देखो मैं आ गया। अब अगर फ्लाइट डिले हो गई तो इसमें मैं क्या करूँ? चलो अब मैं चलता हूँ। एक काम करना, मेरी तरफ से उसके एक चुम्मी ले लेना। Shut up. Your attention please. Air New Zealand announces their flight NZ25 has landed. Thank you. Hi Tina. Hi Sunny. अरे तुम यहाँ कैसे आ गए इमिग्रेशन में? परमिशन लेके। तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था, फ्लाइट जो 3 घंटे लेट थी। सचमुच तड़प रहे थे? हाँ, एक बार फिर गले मिलो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये इंडिया है। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें देखने के बाद मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। ये लो चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। हाँ अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। ओके बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। टीना दीदी। कैसी है तू टिन्नी? बिल्कुल ठीक दीदी, और तुम? देख ले तेरे सामने हूँ। पापा नहीं आए? आए थे लेकिन फ्लाइट डिले थी इसलिए कोर्ट चले गए। अच्छा, और वो तुम्हारा राजकुमार? वो भी आया था, कितना स्मार्ट लग रहा था रेड जैकेट में, लेकिन फ्लाइट डिले थी इसलिए उसे भी जाना पड़ा। तेरे लिए फूल दे के गया है। और तेरा सनी? अरे वो भी आया था, कितना स्मार्ट लग रहा था जीन्स और कोट में, पता है वो तो अंदर ही चला आया। देखो कितनी सारी चॉकलेट दे गया है। जानती है राज क्या कह रहा था? टीना मेरी होने वाली साली है, यानी कि आधी घर वाली, इसलिए मैं उसकी तरफ से 3 पप्पी ले लूं। तो ले लो। और तेरा सनी वो क्या कहता है मेरे लिए? अरे दीदी तुम उसे देखोगी ना तो खुद ही उसकी पप्पी ले लोगी। चल। लेकिन दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? यही कि जब पापा को हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा तो शायद वो मंजूर ना करें। उनके उसूल और उनका गुस्सा कहीं हमारे प्यार के आड़े ना आ जाए। दीदी टीना, हमने प्यार किया है, कोई पाप तो नहीं किया, तो फिर डरना कैसा? सनी तुमसे शादी करने को तैयार है और राज मुझसे। अगर सारी दुनिया भी हमारे सामने खड़ी हो जाए ना तो भी हमारा प्यार सबका मुकाबला कर लेगा। टीना! पापा! ओ टीना माय डियर डार्लिंग, हाउ आर यू? पापा! नीलू, टीना थोड़ी मोटी होकर आई है। चॉकलेट बहुत खाती हूँ ना पापा। आज शनिवार को हमारे दोस्तों की पार्टी होती है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी टीना न्यूजीलैंड से वापस आ रही है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। हाउ नाइस ऑफ यू पापा।
तू अपना कोर्स पूरा करके आई है. वेरी गुड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ. लेट्स सेलिब्रेट. कम ऑन. जरा जल्दी आ जाए. व्हाट? शट अप. आई डोंट लाइक दिस. क्या हुआ सनी? देखो तुम बीच में मत बोलो. मैं उस उल्लू के पट्टे से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पेट में है. मैंने उससे कहा भाई जरा जल्दी दुनिया में आ जा, मैं बाप बनना चाहता हूँ. तो कहता है नो, आई एम नॉट इन द मूड टू कम इन दिस वर्ल्ड सो सून. उल्लू का पट्टा. हसो मत. लुक, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, कम सून इन दिस वर्ल्ड यार, वरना. कम ऑन सनी, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो दुनिया में आ जाएगा ना. अरे वाह, अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं और तुम मेरे खिलाफ हो गई. ओ सनी डार्लिंग, आई लव यू एंड आई लव हिम एज वेल. वो ठीक 9 महीने पूरे करने के बाद ही आएगा. दीना, ये अल्लाह मियाँ ने 9 महीने का इंतजार क्यों बनाया? कुछ जल्दी नहीं हो सकता क्या? जब अल्लाह मियाँ से मुलाकात होगी ना तो पूछ लेना. फिलहाल तो मेरी दीदी तुमसे मुलाकात करना चाहती है. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना. वरना. वरना? वरना क्या? देखो दीना, जब से तुम हिंदुस्तान आई हो सूरज की किरणों में इश्क की गर्मी आ गई है, हवाओं में तुम्हारे जुल्फों की खुशबू समा गई है, फूलों पे मोहब्बत की ताजगी निख रही है, और अगर तुमने मुझे अपने दीदी से मिलाया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा सनी? क्योंकि जब तुम्हारी दीदी मुझसे मिलेगी, मेरी पर्सनालिटी देखेगी, मेरा स्टाइल देखेगी, तो वो अपने राजकुमार को भूल जाएगी और फौरन मुझसे मेरा हाथ मांग लेगी, शादी कर लेगी. फिर तुम्हारा क्या होगा माय पुअर टीना? कम ऑन सनी, मेरी दीदी का राजकुमार तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है. और हाँ खबरदार, अगर मेरी दीदी के बारे में तुम्हारे मन में जरा भी बुरा ख्याल आया ना तो आई विल किल यू. और जल्द ही तुम्हें मेरी दीदी से मिलना है, समझे? लेकिन एक शर्त है. क्या शर्त? वही पुरानी. ठीक है, ले लो. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन वर्मा साहब. अरे वेलकम वेलकम. वाह, विदेश में आपका फॉर्मूला 100% कामयाब साबित हुआ. उसी खुशी में ये नजराना आपके लिए. ओह थैंक यू. राजकुमार तुम तो कमाल कर रहे हो, एक के बाद एक कामयाबी के झंडे गाड़ते जा रहे हो. फतेह फतेह. आखिर आप जैसा अनुभवी गुरु मेरा आदर्श हो तो निशाना कैसे चूक सकता है सर. किसी दिन आप मेरी तारीफ जरूर करेंगे कि मेरा एक एक तीर बिल्कुल ठिकाने पर जाकर लगा है. वेरी गुड, तुम भी मेरी तरह पक्के तीरंदाज हो गए हो, इसलिए कामयाबी तुम्हारे कदम चूम रही है. इस खुशी में आज की शाम तुम हमारे साथ गुजारोगे जहां जलवे ही जलवे होंगे. कम ऑन. बन
सच्ची बात हमेशा बोलू बात करूँ ना फर्जी का बाजार मजा आया ना राजकुमार बेहद क्या रंग है और क्या बहार हमारी ये रंगारंग पार्टी होती है हर शनिवार जब हम लोगों को चढ़ता है इश्क और मोहब्बत का बुखार क्या बात है सरकार और हर शनिवार नई नई महबूबाएं यहाँ लुटाती हैं अपना प्यार राजकुमार फिर आना अगले शनिवार सर मैं उस आदमी को नहीं पहचानती अनजान आदमी से बुके लेने का मतलब समझती हो इसमें बम भी हो सकता है मेरी वकालत के नाम और शान की वजह से मेरे दुश्मन मेरी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं
समझी? यस सर। आइंदा किसी अनजान आदमी से बुके लेने की गलती मत करना, ले जाए इसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया? यस सर। सारे गवाह सब रेडी हैं सर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजकुमार। आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? मेरे लिए तो सब खैरियत है सर, पर आपके लिए नहीं। क्या मतलब? सर मैं अभी अभी एक बहुत ही अच्छे जोशी से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि आपको राहु की बुरी दशा लग गई है आज से। अब से आप जो भी काम करेंगे वो सब उल्टा हो जाएगा। कोर्ट में आप हर केस हार जाएंगे, घर में बर्बादी हो जाएगी, आपकी सुख शांति सब खत्म हो जाएगी सर, और आप तबाह हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो राजकुमार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं किसी ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं रखता। राजकुमार, आज मैं एक ऐसा रेप के चुटकी बजाते ही जीतने वाला हूँ कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे, और तुम्हारे ज्योतिषी की ये ज्योतिष विद्या है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी, समझे? बनने वाले हैं, आपकी दोनों लड़कियां बिना शादी के मां बनने वाली है। क्या बात है मिस्टर वर्मा? आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि मेरा यह केस कल तक के लिए मुलतवी किया जाए। ऑल राइट मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू। नीलू टीना। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो बेटे। क्या बात है पापा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्या ये सच है कि तुम दोनों प्रेग्नेंट हो, मां बनने वाली हो? खामोश क्यों हो, बोल के क्यों नहीं, जवाब दो मुझे। तुम दोनों की खामोशी खुद जवाब है इस बात का कि जो खबर मुझे मिली है वो सही है, सच है। अब बोलो। जी पापा। सुन लिया खन्ना, इन दोनों ने मेरे चेहरे पर काली पोत दी है, वर्मा खानदान की इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए हैं। दोस्त एक काम कर, अभी इसी वक्त इन दोनों को क्लिनिक ले जा और इनका एबॉर्शन करवा दे। एबॉर्शन? नहीं पापा, हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे। सुन लिया मिस्टर के वर्मा, तूने जो मुझे सिखाया मैंने वैसा ही किया, तेरी जूती तेरा ही सर। बधाई हो खन्ना, इनका एबॉर्शन होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना पापा, हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे। तुम्हें एबॉर्शन कराना होगा क्योंकि शादी से पहले हम बिस्तर होना गुनाह है। तुम दोनों के आशिक शादी की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएंगे। मुझे अपनी मोहब्बत और अपने राज पर
पूरा एतबार है पापा और मुझे मेरे सनी पर। ये एतबार और यकीन की सरहद है, शादी के बाद शुरू होती है, शादी के पहले नहीं। ये प्यार नहीं, गुनाह है, गुनाह। इसे हमारा समाज और हमारी तहजीब कभी मंजूर नहीं करती। कुछ भी हो जाए पापा, लेकिन मैंने रात से वादा किया है मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। और मैंने भी सनी से वादा किया है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। वाह नीलू, वाह टीना, क्या जवाबी तमाचा मारा है अपने पापा को, बधाई हो। देखो देखो, तुम दोनों मोहब्बत के जोश में होश खो बैठी हो। तुम्हें अबॉर्शन कराना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अपना हक जताएंगे, तो हम भी अपना हक मांगने अदालत में जाएंगे। बकवास बंद करो। कन्ना, इनकी बाप की संतानें मेरे घर में आंख नहीं खोलेगी। इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर इनके पेट में पल रहे पाप को खत्म कर दो। डॉक्टर अंकल, अगर पापा की जिद और हमारी मर्जी के खिलाफ आपने धोखे से हमारा अबॉर्शन करने की कोशिश की, तो मैं मेडिकल एसोसिएशन में आपके खिलाफ शिकायत करके आपका डॉक्टरी का लाइसेंस रद्द करवा दूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको कत्ल के जुर्म में अदालत में घसीट कर ले जाऊंगी। क्या कर रहे हो? अब से काम लो, होश से काम लो, इस मसले को समझदारी से सुलझाओ। देखो वर्मा, इनकी कंसेंट के बगैर, इनको राजी किए बगैर अबॉर्शन नहीं किया सकता। ये इल्लीगल है, इल्लीगल है। होश से काम लो, रिलैक्स वर्मा, रिलैक्स। तमाचे पर तमाचा वर्मा, बधाई हो। नीरू बेटे, तुम अपने राज से और तुम सनी से अपने पापा को मिलवाओ। अगर वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा बेटे। हेलो। सच्चाई कितनी दुखदायक होती है वर्मा, जब तेरी बेटियों के नाजायज बच्चे तुझे पुकारेंगे, नाना नाना। बास्टर्ड, कौन है तू? भाई तरफ देख, सब पता चल जाएगा। थैंक यू सर। बस अब आखिरी फोन मिस्टर के वर्मा के खास दोस्त डॉक्टर खन्ना को। यस सर। गुड इवनिंग डॉक्टर खन्ना, मैं एडवोकेट के वर्मा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। जी जूली। हाँ, जरा गले में खराबी है। जी जी, कल वर्मा साहब ने अपने घर एक सरप्राइज पार्टी रखी है। जी हाँ, आपको भी इनवाइट किया है। ठीक 7 बजे। सर, वर्मा साहब ने कहा है कि इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप किसी को बताइएगा नहीं। जी सर। थैंक यू सर। आप सब दोस्त भाभियों के साथ यहाँ, ये क्या सरप्राइज है? ये तुम क्या कह रहे हो वर्मा, तुम्हारे सेक्रेटरी ने हमें फोन करके इस सरप्राइज पार्टी के लिए इनवाइट किया है। सेक्रेटरी ने? ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। वैसे आज 1 अप्रैल भी नहीं है। आज तो 6 जून 1995 है, मतलब 6695। और आज इस पार्टी में एक नहीं कई सरप्राइजेस हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर के वर्मा। वर्मा साहब, आपकी दोनों बेटियां दिखाई नहीं दे रहे, सरप्राइजेस का सिलसिला उनके बगैर कैसे शुरू हो सकता है? जरा उन्हें भी तो बुलाइए। वो नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आई सी। नीलू, नीलू। राज, तो ये है राज? तुम अपने पापा और इन सब के सामने इकरार करो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ राज। नीलू, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार में जोर जबरदस्ती की? नहीं। नीलू, क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब नीलू, हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हारी खुशी से हुआ? हाँ राज। और ये भी सच है ना नीलू, कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? लेकिन राज, तुम ऐसे सवाल सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि नीलू तुम ही मेरे इंतकाम का पहला बयान हो। बोलो नीलू, बोलो, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो या नहीं?
हाँ राज। तो तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। You bastard! वर्मा, रुक जा वर्मा। Please, please। वर्मा साहब, ये तो पहला सरप्राइज था। अब जरा दूसरे सरप्राइज का भी तो इंतजार कीजिए। टीना। सनी? तो राज ही सनी है। टीना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ सनी। और अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बोलो टीना, बोलो। हाँ सनी। ये है दूसरा सरप्राइज लेडीज एंड जेंटलमैन। तूने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों को फंसाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हरामजादे, कमीने, कुत्ते। होश में आओ। सनी, तो तुम ही मेरी दीदी के राज हो। ये हमारा गुनहगार है। तुम इतने नीच और कमीने हो। तुमने मेरे साथ साथ मेरी मासूम बहन की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। और अब सबके सामने हमें जलील कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे इसी सवाल का इंतजार था नीलू, कि मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह मासूम था, मगर इस जहरीले इंसान ने मेरी मासूम रगों में नफरत का जहर भर दिया और मैं पागल हो गया, वैश्य हो गया, दीवाना हो गया। और आज मैं तुम्हें ही नहीं, सारी दुनिया को बताऊंगा कि इस दरिंदे ने मुझे अपनी ही नजरों में कितना गिरा दिया है। याद कर वर्मा, आज से 20 साल पहले की तारीख याद कर। 6676। दीदी, आज राखी के दिन आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया। दीदी, आप ही ने तो कहा था कि बहन भाई की कलाई पर राखी इसलिए बांधती है कि बहन के दुख में भाई उसकी रक्षा करे। हाँ राज। आप क्यों रो रहे हो दीदी, मुझे बताओ ना। तू अभी बहुत छोटा है ना भैया, जब बड़ा होगा तो बताऊंगी। नहीं दीदी, मुझे अभी बताओ। क्या हुआ सरला? सरला, क्या हुआ बेटे? आखिर हुआ क्या है, बोल ना। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। लेकिन हुआ क्या है? उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। किसने तुझे धोखा दिया? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? केके वर्मा ने। तो तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। बहुत खुशी की बात है। तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? शादी? तुम शादी की चीज थोड़ी हो, तुम तो ऐश का सामान हो। लो पियो। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपने मुझसे शादी करने का वादा किया है। अगर वादा नहीं करता तो तुम मेरे बिस्तर तक कैसे आती? आओ, हमारा बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं करती हो? आई हो तो इस दोपहर को अपनी जवानी की मस्ती से मस्त कर दो, आओ। नहीं, ये कैसी बातें करते हैं आप? अपने होने वाले बच्चे की खातिर, अपने प्यार की निशाने की खातिर आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। अरे 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 अरे, इतने मोटे मोटे आंसू, हाँ? मेरी जान, हाँ? ए मेरी जान, एक काम करो, ये 5000 रुपया लो और अपनी प्यार के निशानी का अबॉर्शन करवा लो, तुम फिर इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक बन जाओगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। hey!
किसका गिरेबान पकड़ती है, केके वर्मा का? क्या लड़कियां मेरा बिस्तर गरम करने आती है, गिरेबान पकड़ने नहीं? चल। केके वर्मा बाहर आ जा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तू चैन से नहीं बैठ सकता। ए, चिल्लाओ मत, हमारे इस घर के शीशे बहुत नाजुक है, ऊंची आवाज से ये चकनाचूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे तो बाजार में दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी पर तुमने जो दाग लगाया उसे कौन मिटाएगा? ए, इतनी सी बात के लिए चिल्ला रही हो है? जा, जाकर सड़क पर बैठे किसी भिखारी से इसकी शादी करवा दे, तेरी बेटी को एक पति भी मिल जाएगा और उसके सारे दाग भी धुल जाएंगे। जा। वर्मा। चुप। मैंने कहा ना ऊंची आवाज नहीं। मेरा नाम एडवोकेट के वर्मा है, मेरे लिए किसी पर इल्जाम लगवाकर उसे गुनहगार साबित करना या किसी गुनहगार को साफ बरी करवा लेना बाएं हाथ का खेल है। और मुझे भी कमजोर मत समझ वर्मा, मैं भी एक माँ हूँ। बेहतर यही होगा तुम मेरी बेटी को अपना ले और उसे पत्नी का दर्जा दे। पत्नी? पत्नी वो होती है जो शादी के बाद सुहागरात मनाती है और शादी से पहले बिस्तर पर सोने वाली वेश्या होती है, वेश्या। और वेश्या से शादी नहीं की जाती, सौदा करते हैं, सौदा। वर्मा! ए बुढ़िया, होश में आ। पहले तू होश में आ और याद रख, अब मैं तेरी असलियत दुनिया वालों के सामने खोलूंगी, तुझे घसीट कर अदालत ले जाऊंगी। चाहे मेरे बेटे की कितनी भी बदनामी हो, तुझे और किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। की बारिश में डर बतर होता रहा, खून के छींटे मेरे चेहरे पर अंगारों की तरह दहकते रहे। इस वर्मा ने मेरे बचपन को जिस शहर से सींचा है, उस शहर से सींचा गया पेड़ चंदन का पेड़ तो नहीं हो सकता ना। इसने मेरे बचपन को पनपने ही नहीं दिया, प्यार नाम के खूबसूरत जज्बे के जन्म लेने से पहले ही इसने उसका गला घोट दिया। लेकिन जिस तरह से तुमने इनसे बदला लिया है ये तो बहुत ही घिनौना तरीका है। अगर तुम्हारी माँ और बहन के साथ यही हुआ होता तो क्या तुम उनकी मौत और गैरत का बदला नहीं लेते, ऐसे ही खामोश बैठे रहते एक नपुंसक की तरह? लेकिन तुम्हारा गुनहगार के वर्मा था, तुम उसे गोली मार सकते थे। अगर मैं इसे गोली मार देता तो ये चैन की मौत मर जाता, लेकिन इसे तरसा तरसा कर मारना ही मेरा इंतकाम है। लेकिन इनकी लड़कियां तो मासूम थी, तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बहन भी तो मासूम थी, क्या कसूर था उसका? उसके साथ इस दरिंदे ने ऐसा क्यों किया? यही तुम्हारे सवाल का जवाब है और यही मेरा इंतकाम है। अब मैंने समाज के ठेकेदार को इसी समाज के सामने जल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है, यही मेरा इंतकाम है। तू अपनी ही औलादों से नजरें ना मिला सके, यही मेरा इंतकाम है। और तुझे खत्म करना ही मेरा मकसद है। से
जड़ें नहीं उगेंगी। पाप की असली जड़ तू है, सिर्फ तू है। तूने जिस शर्म और जिल्लत का हकदार हमें बनाया है, आज आज तेरी बेटी होने के नाते वही हक मैं अदा कर रही हूं। ये घिनौनी और गंदी कहानी है तेरे इंतकाम की। तुझमें और के वर्मा में फर्क ही क्या है? तुम दोनों ही ने औरत के प्यार को बेइज्जत किया है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने औरत की इज्जत को? जरा सोच, औरत कितनी महान होती है। जिस नीलू को तूने बर्बाद किया उसी ने तेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसकी आंखों की तरफ देख, कितने आंसू भर दिए तूने इसकी आंखों में, फिर भी इसने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन माँ, मैं नफरत का समंदर पार करके आया हूँ, उसका जहर मेरे खून के कतरे कतरे में समा गया है। तो क्या तू अपने बेटे को भी अपने जैसा हैवान बनाना चाहता है, ताकि वो बड़ा होकर खुद की और अपनी माँ की बर्बादी का इंतकाम ले, नीलू की मौत का बदला ले तुझसे? मैं पूछती हूँ, कब तक चलता रहेगा ये इंतकाम का सिलसिला? कब होगा इसका अंत? देख, अपने बेटे की तरफ देख। इसका प्यार तेरे नफरत के जहरीले समुंदर को अमृत का सागर बना देगा। इसकी आंखों का गंगा जल तुझे पवित्र कर देगा। औरतों की इज्जत करना सीख राज। मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया राज, लेकिन यशोदा बनकर कृष्ण की तरह पाला है तुझे। क्या मेरी ममता का और तेरी माँ के दूध का रंग बदल गया है? नहीं माँ, नहीं। मैं कहती हूं, अपना ले इस बेगुनाह को, बदल दे इस घिनौनी कहानी को अब इस प्यार की कहानी में, क्योंकि प्यार ही जीवन है और प्यार ही परमात्मा। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ।